आज मैं कैपकट का कंप्लीट वीडियो एडिटिंग कोर्स लेके आया हूँ और वो भी बिल्कुल फ्री में। कैपकट को आप फ्री में ऑफिशियली कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे, उसके फीचर्स, कुछ सेटिंग्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि फ्रेंड्स कैपकट को आप कैसे डाउनलोड करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट से, पर उसके लिए आपको हमेशा VPN की जरूरत पड़ेगी और VPN भी मैं आपको फ्री वाला बताऊंगा। जब भी आपको कैपकट ओपन करना है तो आप VPN के बिना उसे ओपन नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपको गूगल में जाना है, वहां पर लिखना है प्रोटोन VPN। आप ये जो फर्स्ट लिंक देख रहे हैं इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप इस वेबसाइट में आ जाएंगे। राइट साइड टॉप में लिखा हुआ है क्रिएट अकाउंट, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे ये पैसे मांगेगा, पर आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसको हम फ्री में यूज करेंगे और उसके लिए यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है गेट प्रोटोन फ्री, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे। उसके बाद देखिए ये पॉपअप विंडो आएगी। ये सारे पेजेस मैंने खोल के रख लिए थे जिससे थोड़ा ईजी हो जाए। यहाँ पर लिखा है कॉन्टिन्यू विद फ्री, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट ये पेज ओपन हो गए। यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है और स्टार्ट यूजिंग प्रोटोन VPN के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब आपसे ये वेरिफिकेशन कोड मांग रहा है जो आपके ईमेल आईडी में आया है। यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पास एक कोड आ गया, इसको मैंने कॉपी करा और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया और वेरीफाई के ऊपर मैंने क्लिक करा। अब ये मेरे अकाउंट को वेरीफाई कर रहा है। अब इसने आपके लिए एक पासवर्ड जनरेट करा है। अगर आपको ये पासवर्ड ठीक लग रहा है तो अपना यूजर नेम और पासवर्ड कहीं पे भी सेव करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करें, नहीं तो चूज माई ऑन पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके आप अपना पासवर्ड भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं अपने ईमेल आईडी को कॉपी करूँगा, इसको यहाँ पे सेव करूँगा और उसके बाद इस पासवर्ड को यहाँ पे क्लिक करके कॉपी करके मैं इसके नीचे पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब ये मुझसे डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है, पर अभी मैं आपको समझाने के लिए इसको क्लोज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको एंड्रॉयड, iOS, विंडोज़, macOS, लिनक्स, क्रोम, एंड्रॉयड TV सबकी ऑप्शन मिलेगी। मोस्टली लोग विंडोज़ को यूज़ करते हैं तो आप विंडोज़ पे डाउनलोड करें, नहीं तो macOS उसका भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं वीडियो बना रहा हूँ विंडोज़ पे तो यहाँ से इसको मैं डाउनलोड करूँगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है डाउनलोड प्रोटोन VPN, इसके ऊपर मैंने क्लिक करा। यहाँ पर आप देखेंगे मेरी फाइल डाउनलोड हो चुकी है, इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करने के बाद ये मुझसे परमिशन मांग रहा है, यहाँ से मैं यस करूंगा। उसके बाद ओके के ऊपर क्लिक करना है। अब नीचे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते रहे और उसके बाद मैंने इंस्टॉल पे क्लिक करा। अब यहाँ पे ये कुछ ड्राइवर इंस्टॉल कर रहा है, वो ऑटोमेटिक सब कुछ करेगा, थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ पे एक विंडो ओपन हो गई जिसमें यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा है और स्टार्टिंग में मैंने आपसे यूजर नेम और पासवर्ड नोटपैड में सेव करवा लिए थे, वही आपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने हैं जैसे कि मैं इस समय आपके सामने कर रहा हूँ। और उसके बाद साइन इन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। कुछ ही सेकंड में आप देखेंगे मेरा ये साइन इन हो गया है। यहाँ से आप इसके टूर को स्किप कर दे और इसको मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा है क्विक कनेक्ट। अब जब तक आप VPN को ऑन नहीं करेंगे तब तक आपकी जो कैपकट की वेबसाइट है वो बिल्कुल भी ओपन नहीं होगी, नॉट फाउंड इस तरह का लिखा आएगा। तो यहाँ से क्विक कनेक्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, पर उसके बाद कुछ ही सेकंड्स में आपका VPN कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे मेरा VPN कनेक्ट हो चुका है। फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, उसके बाद हम डायरेक्ट सेम इसी वेबसाइट में जाएंगे, पर गूगल में आपको कैपकट लिखना है, लिंक पर क्लिक करना है। अब मैं इसे रिफ्रेश करूँगा। रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे कैपकट की वेबसाइट ओपन हो गई है। थोड़ा सा स्लो चलेगा सिस्टम, पर टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यहाँ पे ये साइन इन करने के लिए बोल रहा है, पर अभी मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बाद में अगर ज़रूरत होगी तो मैं डेफिनेटली साइन इन करूँगा। यहाँ पर लिखा है डाउनलोड फॉर विंडोज़, इसके ऊपर मैंने क्लिक करा। क्लिक करने के बाद एक नेक्स्ट पेज ओपन होता है, पॉपअप आया और उसके बाद आप देखेंगे मेरे यहाँ से डाउनलोडिंग कम्प्लीट हो गई, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ से येस के ऊपर मैंने क्लिक करा। अब आप देखेंगे यहाँ पे नीचे 0% दिखा रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे डाउनलोड होने में क्योंकि आपने VPN को कनेक्ट करा हुआ है, तो VPN से स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है इंटरनेट की। डाउनलोड होने के बाद ऑटोमेटिक एक ये पॉपअप आएगा जहाँ पे ये कुछ टेस्टिंग करेगा। अभी ये ग्राफिक कार्ड प्रॉब्लम बता रहा है, इसको आप इग्नोर कर दे और कंटिन्यू टू यूज़ के ऊपर आपने क्लिक करना है। ये सारी सेटिंग्स मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। यहाँ से आपने एग्री एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। आपने कैपकट की ऑफिशियल वेबसाइट से कैपकट को कितने आराम से डाउनलोड कर लिया। अब मैं कैपकट की आपको कुछ ऐसी सेटिंग्स बताऊँगा जिससे कैपकट आपका हैंग नहीं होगा, परफॉर्मेंस आपकी बहुत अच्छी रहेगी और इजीली आप कैपकट के फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये सेटिंग्स को आप बिल्कुल भी मिस ना करें।
अब यहाँ राइट साइड टॉप में आपको सेटिंग्स की ऑप्शन मिल रही है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा है सेटिंग्स, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। सबसे पहली ऑप्शन आ रही है प्रोजेक्ट में, आप अपने प्रोजेक्ट को कहाँ पे सेव करना चाहते हैं उसका पाथ यहाँ से देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो जब आप वीडियो रेंडर करेंगे वहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिलेगी। अगर यहाँ से भी करना है तो आप यहाँ से उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने एडिट में जाना है, फ्री लेयर को आपने टिक ज़रूर करना है, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा जब आप अपनी वीडियोज़ की लेयर बनाएंगे, वो मैं आपको भी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। यहाँ से आप अपने फ्रेम को सेट कर सकते हैं, बेसिकली मैं इसको 24 पे ही सेट करता हूँ क्योंकि जो मैं अपना वीडियो शूट करता हूँ वो 24 फ्रेम पर सेकेंड पे करता हूँ। उसके बाद परफॉर्मेंस में आना है, यहाँ पे आपने इन ऑप्शंस को टिक करना है जिससे आपका कैपकट काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देगा और बीच में हैंग बिल्कुल भी नहीं होगा, और लैंग्वेज को आप एज इट इज ऐसे ही रहने दे। ये सब कंप्लीट करने के बाद मैं प्रोजेक्ट में फिर से आ गया। सेटिंग को सेव करने से पहले यहाँ पे आपको कैशे फाइल की एक ऑप्शन मिल रही है, ये हमारे किसी काम की नहीं है, ये बस साइज लेता रहेगा। तो यहाँ पे आपने ऑटो डिलीट कैशे को सिलेक्ट करना है और यहाँ से 15 डेज को आप सिलेक्ट करेंगे। अब हर 15 दिन में ऑटोमेटिकली कैशे आपकी डिलीट हो जाएगी, नहीं तो आप मैनुअली भी करना चाहे तो इस बटन पे क्लिक करके कर सकते हैं। उसके बाद आप सेटिंग को सेव करेंगे और उसके बाद एक बार कैपकट को रिस्टार्ट जरूर करें। यहाँ से आप इसे क्लोज करेंगे और वापस विंडोज में आ जाए, ऑल एप्स में जाए, और यहाँ से कैपकट को आप इसे पिन भी कर सकते हैं अपने टास्क बार में, जिससे आपको बार बार ऑल फाइल्स में जाने की ज़रूरत ना पड़े, आप इसको यहीं से ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। एक बार इसको चेक करें जो आपकी सेटिंग है वो ठीक हुई या नहीं। यहाँ से अभी इस नोटिस को हम गॉट इट कर देते हैं और इसको हम यहाँ से क्लोज कर देंगे और फिर से आप 3 डॉट में जाएंगे। एक बार सेटिंग्स पे क्लिक करके आप चेक करें जो आपने सेटिंग्स करी थी वो सारी सेव हो गई या फिर नहीं। बीच में अभी एक दो सेटिंग्स और है, वो मैं आपको वीडियो में साथ के साथ बताता रहूँगा। अब लेफ्ट साइड में ऑप्शन आ रही है साइन इन की, यहाँ से आपने साइन इन करना है। साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे एक पॉपअप विंडो आएगी, जितने में ये ओपन हो रहा है मैं वीपीएन की आपको एक सेटिंग बता देता हूँ। यहाँ पे आपने वीपीएन को ओपन करना है, 3 लाइन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ से सेटिंग्स में जाएंगे और स्टार्ट ऑन बूट ये आपका ऑन होगा, इसे आप ऑफ जरूर करें। अगर आप इसे ऑफ नहीं करेंगे तो जब भी आपका पीसी ऑन होगा तो वीपीएन आपका ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, और उस समय अगर आप गूगल में, यूट्यूब में कोई भी अपना ईमेल आईडी डाल के काम कर रहे हैं तो वहां पे वीपीएन उस एरिए का शो करेगा, उस कंट्री का शो करेगा जो गूगल की नजर में गलत होगा। तो इसको यहाँ से आपने ऑफ जरूर करना है और उसके बाद आप यहाँ से क्लोज कर दे और इसको मिनिमाइज कर दे। अब यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ रही है, तो मैं गूगल को सिलेक्ट करूंगा, आप किसी और को भी सिलेक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। अपने ईमेल आईडी को सिलेक्ट करने के बाद आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पास साइन इन की ऑप्शन आ गई। एक बार हम यहाँ पे जाके देखते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे मेरा नाम आ चुका है और एक आईडी आ चुका है। यहाँ पे लिखा है न्यू प्रोजेक्ट, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, वो विंडो क्लोज होगी और एक नई विंडो ओपन होगी। अब यहाँ पे आप इंपोर्ट करेंगे अपने उस वीडियो को जिसको एडिट करना चाहते हैं। आप चाहे तो ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने अपना एक वीडियो अपने फोल्डर में रखा है, यहाँ से ड्रैग करके मैं सीधा नीचे ड्रॉप करूंगा जिससे ये मेरा टाइमलाइन में आ चुका है, इधर मेरे मीडिया आ रहा है और यहाँ पे उसका प्रीव्यू आ रहा है। अब आपको ब्लैंक एरिया पे क्लिक करना है क्योंकि अभी भी इसकी कुछ सेटिंग्स रहती है। यहाँ पे लिखा है मॉडिफाई, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इस पेज को तो सेम एज इट इज रहने देंगे, डिटेल्स वाले सेक्शन को। परफॉर्मेंस में जाना है, यहाँ पर आप चेक करें आपकी प्रॉक्सी ऑन होनी चाहिए, प्लस इसके रेजोल्यूशन को 540 पिक्सल पे सेट कर दे और उसके बाद सेव पे क्लिक करें। ये मैंने इसलिए करा कि फ्रेंड्स आपका कैपकट हैंग ना हो। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने अपनी एडिटिंग खत्म कर दी, सब कुछ सेव कर दिया और आपने यहाँ से इसे क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद भी आप देखेंगे आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे सेव है। अब यहाँ से आपको 3 डॉट दिख रहे हैं, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और इसको अगर आप डिलीट करना चाहे तो कर सकते हैं, पर डिलीट करने के बाद भी आपको राइट साइड में ट्रैश का एक फोल्डर मिल रहा है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ 30 डेज तक जो भी आप अपने प्रोजेक्ट डिलीट करेंगे वो यहाँ पे सेव रहेंगे। अगर आप इसको यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं या रिस्टोर करना चाहते हैं तो जस्ट अपने प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करो। अब यहाँ से आप इसे रिस्टोर करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, वापस ये प्रोजेक्ट रिस्टोर हो जाएगा। अगर आप इसे कम्प्लीटली डिलीट करना चाहते हैं तो ट्रैश में आने के बाद इसको सिलेक्ट करें और इस बटन के ऊपर क्लिक कर दे। अब ये आपका कम्प्लीटली डिलीट हो चुका है।
कैपकट की ये सारी सेटिंग्स कंप्लीट करने के बाद फ्रेंड्स आपको मैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में बताना चाहता हूँ और उसके बाद उन फीचर्स का मैं प्रैक्टिकल वीडियो भी बना के दिखाऊंगा। यहाँ पे ऑलरेडी मैं वीडियो इंपोर्ट कर चुका हूँ, नहीं तो इंपोर्ट की आपको यहाँ पे और भी ऑप्शंस मिलेगी। जनरेट एआई के ऊपर अगर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप नीचे अपना प्रॉम्प्ट लिख के कोई भी इमेज जनरेट करवा सकते हैं और उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं नीचे टाइमलाइन में। स्पेसेस में फ्रेंड्स यहाँ पे आप अपना मीडिया अपलोड करेंगे, कोई भी आप वीडियो ऑडियो फाइल यहाँ पे डालना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लाइब्रेरी में आपको कैपकट की ही लाइब्रेरी मिलेगी जिसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। आपका इंटरनेट चल रहा है तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे छोटा सा एक डाउनलोड का बटन आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है और उसके बाद इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपनी मीडिया के ऊपर। उसके बाद ब्रांड एसेट्स में जाएंगे और यहाँ पे आपको कैपकट के लोगो मिलेंगे। उसके बाद आप अपनी मीडिया फाइल में ऑडियो ऐड करना चाहते हैं तो ऑडियो के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे म्यूजिक आपको मिलेगा और सेम वैसे ही डाउनलोड बटन पे क्लिक करके आप इस ऑडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। दो ऑप्शन मिलेगी यहाँ पे, ये बाय डिफॉल्ट ऑल पे सिलेक्ट है तो यहाँ से मैं कमर्शियल के ऊपर सिलेक्ट करूंगा। अब मेरे पास वो वाले ऑडियो फाइल आएगी जिसके अंदर मुझे कॉपीराइट नहीं आएगा। सेम यही चीज साउंड इफेक्ट पे जब आप क्लिक करेंगे, इसमें भी फ्रेंड्स सेम वैसे ही है कमर्शियल और ऑल। साउंड इफेक्ट आप इसी तरीके से डाउनलोड करके आप अपने मीडिया में अपने वीडियो में इसका यूज करना चाहे तो कर सकते हैं। कॉपीराइट की यहाँ ऑप्शन मिल रही है, टिकटॉक इंडिया में नहीं चलता, अगर आप वीपीएन यूज करेंगे तो वो भी चलेगा। टिकटॉक में वीडियो अपलोड करने से पहले आप देखना चाहते हैं कि आपको कहीं कॉपीराइट तो नहीं आएगा तो ये उसको चेक करेगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपनी वीडियो फाइल अपलोड करेंगे जिससे उसके अंदर का ऑडियो ये निकालेगा और इसे आप नीचे टाइमलाइन में लाके अपने वीडियो के बैकग्राउंड में यूज करना चाहे तो कर सकते हैं, पर ये चीजें हमारे किसी काम की नहीं है। उसके बाद अगर आप अपने टिकटॉक अकाउंट को इसके साथ मतलब कैपकट के साथ लिंक करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। और लास्ट में आपको मिलेगा ब्रांड म्यूजिक, ये हमारे किसी काम का नहीं है तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब बारी आती है टेक्स्ट की। टेक्स्ट पे मैंने सिलेक्ट करा, सबसे पहले ऑप्शन आ रही है ऑटो कैप्शन की। अगर आपका वीडियो इंग्लिश में है तो यहाँ से आप इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट करके क्रिएट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये आपके वीडियो की कैप्शन लेने लग जाएगा, जो सबटाइटल्स नीचे आते हैं वो शो करने लग जाएंगे। सेम यही चीज़ आप लिरिक्स में कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे लोकल कैप्शन, आप अपनी कैप्शन को यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हैं। AI जनरेटेड के ऊपर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स AI का ये काम करेगा जो अभी हमारे किसी यूज का नहीं है। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रही है इफेक्ट्स की। इधर मिलेंगे फ्रेंड्स आपको हजारों इफेक्ट्स, मतलब हजारों टेक्स्ट मिलेंगे जो आप अपनी मीडिया फाइल के अंदर यूज कर सकते हैं। आपको बस जहाँ पे भी ये डाउनलोड का बटन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करके इनको डाउनलोड करना है। और नीचे टेक्स्ट टेम्पलेट भी है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ तो आपको फ्रेंड्स खजाना मिलने वाला है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक छोटा सा बटन है, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास कैटेगरीज आ गई। इन कैटेगरीज को मैं यूज कर सकता हूँ। आप देखेंगे टैग के ऊपर मैंने क्लिक करा, टैग से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे टेक्स्ट आ गए। कुछ भी नहीं करना, जो भी आपको टेक्स्ट अच्छा लग रहा है उसको आपने क्लिक करना है। सबसे पहले तो वो डाउनलोड होगा जैसे ये हो रहा है। नीचे जो मेरा एक वीडियो था उसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। डाउनलोड होने के बाद आप इस प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे ये सीधा टाइमलाइन में आ जाएगा। अब आप देखेंगे कितना छोटा यहाँ पे शो कर रहा है, तो यहाँ से आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं जिससे आपको क्लियर दिख जाए और अपने इस टेक्स्ट को जहाँ पे भी आप प्लेस करना चाहे कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पास ये ऑप्शन आ गई, यहाँ से इसको ड्रैग करके छोटा या बड़ा करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं फ्रेंड्स, आपको बहुत कुछ मिलेगा। अगर आपका न्यूज़ चैनल है तो न्यूज़ के ऊपर क्लिक करेंगे, कैंपस मैसेजेस स्पोर्ट्स कैप्शन टेक्नोलॉजी गेम्स बहुत कुछ आपको टेक्स्ट में मिलेगा। ठीक इसी तरीके से अगर आप वीडियो के अंदर स्टिकर्स यूज करना चाहते हैं तो मैंने स्टिकर के ऊपर क्लिक करा। लोडिंग होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, फर्स्ट टाइम लोड होने में टाइम लगेगा। अगर मैं टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे ये एकदम से ओपन हो गया, क्योंकि मैं इसको पहले खोल चुका था। अब स्टिकर्स आप देखेंगे मेरे ओपन हो गए। ट्रेंडिंग स्टिकर्स कौन से चल रहे हैं, इमोजीज भी आपको यहाँ पे मिलेंगी, आइकन्स मिलेंगे, बहुत सारे स्टिकर्स मिलेंगे फ्रेंड्स। मतलब इतना सारा इसके पास डेटा है, इतने सारे आपको इफेक्ट्स मिलेंगे कि आप खुद परेशान हो जाएंगे ढूंढते ढूंढते कि कौन सा अपना वीडियो में यूज करना चाहिए। और आप देखेंगे यहाँ पे भी आपको कमर्शियल और ऑल दोनों ऑप्शन मिल रही है। कमर्शियल पे सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास काफी अच्छे अच्छे स्टिकर्स पहले से ही शॉर्टलिस्ट होके आ जाएंगे जिसे आप वीडियो में यूज कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से आप इफेक्ट्स में भी जा सकते हैं और यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगी। एक ऑप्शन मिल रही है वीडियो इफेक्ट्स की
कि आप अपने वीडियो के अंदर इफेक्ट कैसे ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने बस इसको डाउनलोड करना है और उसके बाद प्लस के ऊपर क्लिक कर देंगे और इस तरह से मेरा ये इफेक्ट काम करेगा। यहाँ पे म्यूट का बटन है, मैं एक बार इसको म्यूट कर देता हूँ क्योंकि साथ साथ मैं बोल भी रहा हूँ। यहाँ पे मैंने वीडियो को प्ले कर दिया और आप देखेंगे इफेक्ट कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। ये तो वीडियो इफेक्ट है और उसमें भी फ्रेंड्स आपको बहुत कुछ मिलने वाला है यहाँ पर आप देखेंगे। और उसके बाद जैसे ही मैं बॉडी इफेक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ से ये लोडिंग शुरू हो गई और बॉडी इफेक्ट के कॉर्नर पे भी इस बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास काफी सारी ऑप्शंस आ जाएगी। इसको भी ऐड करने का तरीका वही है, ट्रांजिशंस में जाएंगे तो बहुत एडवांस ट्रांजिशन मिलेगी। जब आप अपने वीडियो में कट लगाते हैं, कट के लिए आप कंट्रोल बी का यूज कर सकते हैं जिससे आपकी वीडियो में कट लग जाएगा। और यहाँ से जो भी ट्रांजिशन आपको अच्छी लग रही है आप उसके ऊपर अपना पॉइंटर लेके जाएं, सेम वैसे ही आपने उसको यहाँ से डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद उसे ड्रैग करके अपने उस कट के बीच में ड्रॉप करेंगे। थोड़ा सा बैक करके चेक करते हैं कि मेरी ये ट्रांजिशन किस तरह की दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप फिल्टर का भी यूज करना चाहे तो कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इन चीजों को बताने में मैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करूं क्योंकि आप सबको इनकी नॉलेज जरूर होगी। एडजस्टमेंट अगर आपके पास लट है तो उसका भी यूज कर सकते हैं, कलर ग्रेडिंग भी कर सकते हैं जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। यहाँ पे आपको 3 लाइंस मिल रही है, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको कलर की ऑप्शन मिलेगी जो ऑफ है, इसको आप ऑफ ही रहने दे। प्रीव्यू क्वालिटी आप इसकी क्वालिटी प्रायोरिटी पे रहने दे। और अगर आप अपने वीडियो से एक स्टिल लेना चाहते हैं इस फ्रेम का तो मैंने इसके ऊपर क्लिक करा। और इसको आप किस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं, PNG या JPG, बेसिकली ये YouTube थंबनेल के लिए काम आता है कि मुझे अपनी वीडियो से ये वाला टेक लेना है। और उसके बाद कौन सा रेजोल्यूशन होना चाहिए उसको सिलेक्ट करेंगे, कहाँ ये एक्सपोर्ट होना चाहिए उसका पाथ आप यहाँ से दे सकते हैं। मैं चाहता हूँ ये पिक्चर्स में जाके सेव हो और सिलेक्ट फोल्डर के ऊपर क्लिक करके आपने एक्सपोर्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे लेआउट की ऑप्शन मिल रही है कि आपका ये सेक्शन किस तरीके का दिखाई देना चाहिए। आप एक एक करके खुद ट्राई करें पर डिफॉल्ट में रहने दें जिससे आपके पास मीडिया का सेक्शन भी आ रहा है, यहाँ पे आपका प्रीव्यू भी दिख रहा है और बाकी सारी डिटेल्स भी दिख रही है, तो इसको ना ही छेड़े तो अच्छा है। अब सबसे बेस्ट है शॉर्टकट, इसके ऊपर मैंने क्लिक करा। ये सारे शॉर्टकट यहाँ पे दे रखे हैं। सबसे ज्यादा हमारा स्प्लिट काम करता है, जैसे यहाँ पे मैंने अभी स्प्लिट करा तो इसको फ्रेंड्स आप क्लिक करके अपने कीबोर्ड से एस कर दे जिससे आपको याद रहेगा कि ये स्प्लिट है। अब क्या करेंगे, जैसे आपने कट लगाना है तो आप एस को प्रेस करते रहेंगे तो आपके लिए कितना इजी हो गया। और उसके बाद आप सेव करेंगे। अब अगर मुझे यहाँ पे कट लगाना है तो मैं सिर्फ एस को प्रेस करूंगा कीबोर्ड में और कट लग गया। अब मुझे कंट्रोल बी प्रेस करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप इसे शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं और यहाँ पे है एक्सपोर्ट की ऑप्शन। एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, किस नाम से आप फाइल को शेयर करना चाहते हैं, कहाँ पे आपकी फाइल सेव होनी चाहिए, रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए, 1080p, 480, 720, 2K, 4K, आप वो ये सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी सब कुछ एज इट इज सेम रहने दे। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। बाकी मैं रिकमेंड यही करूंगा कि इसको चेंज ना करें। और उसके बाद एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये वीडियो सेव हो जाएगी, जो मैं अभी नहीं करने वाला क्योंकि अभी मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ। कुछ कुछ वीडियोज ऐसे होते हैं जिनको क्रॉप करना पड़ता है तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से जितना एरिया आप क्रॉप करना चाहते हैं, बेसिकली ये ग्रीन स्क्रीन में यूज होता है कि अगर हमारी ग्रीन स्क्रीन इतनी है और साइड का एरिया दिख रहा है तो हम क्रॉप करके उसको हाइड कर देते हैं। और कंफर्म के ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ से मैं कंट्रोल जेड प्रेस कर दूंगा, अंडू कर दूंगा, मुझे वो क्रॉप नहीं करना। अगर आप इसे रोटेट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं और मिरर इफेक्ट देना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से दे सकते हैं। और इसमें अगर आप अपनी क्लिप को रिवर्स करना चाहते हैं, जो मैजिक ट्रिक होती है, कोई हम बॉल फेंक रहे हैं और उसको हम जब रिवर्स करेंगे तो वो बॉल हमारी तरफ आएगी और हम उसे कैच करेंगे, इस तरह के इफेक्ट देना चाहते हैं तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। और ये फ्रीज फ्रेम का बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। नॉर्मल आपने देखा होगा कि जब भी वीडियो चल रहा होता है और एक ही पोज में फ्रीज हो जाता है, यहाँ पर आप देखेंगे फ्रीज पे कट करा तो फ्रीज हो गया। और यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इफेक्ट देना चाहे तो दे सकते हैं, उसके बाद यहीं से ये कंटिन्यू हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको ये म्यूट वाली चीज बता चुका था, अगर आप इसको करेंगे तो आप देखेंगे टाइमलाइन से मेरा वीडियो गायब हो चुका है। और उसके बाद यहाँ से आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो मैं रिकमेंड नहीं करता। आप अपने माइक से जैसे भी रिकॉर्डिंग करते हैं आप उसी का यूज करें, इसको बिल्कुल भी ना करें, करना चाहे तो कर सकते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे कट लगा है, अगर मैं इसे ड्रैग करके पीछे लेके जा रहा हूँ
तो ये फिर से मैग्नेट की तरह चिपक रहा है क्योंकि मैंने यहाँ से इसको ऑन करा हुआ है। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ से ऑफ कर दूंगा, फिर से मैं इसको पीछे करूंगा तो आप देखेंगे वहीं पे ये स्टॉप हो चुका है। फिर से मैं इसको यहाँ से ऑन कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिक इसके साथ ऐड हो जाएगा। सेकेंड वाली ऑप्शन को अगर आप ऑन नहीं करते तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे जो मेरा ये बार है ये आगे पीछे हो रहा है, और अगर मैं इसको अभी इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, अगर मैं इसको पीछे ले जाके उसको सेट करने की कोशिश करता हूँ तो ये ऊपर की तरफ चला जाता है। तो यहाँ से अगर आप इसको ऑन करेंगे तो ये एग्जैक्ट इसके साथ जाके चिपक जाएगा, और आप जब कट लगाएंगे तो आप इस लाइन को देखेंगे ये बिल्कुल यहाँ जाके स्टिक हो गई है। ये जब आप प्रैक्टिकली करेंगे तब आपको ये समझ आएगा कि मैं समझाना क्या चाहता हूँ। थर्ड ऑप्शन को अगर आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे और दोनों फाइल को सिलेक्ट करेंगे तो ईजिली आप इसे मूव कर सकते हैं, जो इतनी यूज़फुल नहीं है, मैं इसको यूज़ नहीं करता। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे आप अपने माउस के पॉइंटर को लेके जा रहे हैं तो ऊपर आपका प्रीव्यू शो हो रहा है। इसको भी मैं पर्सनली यूज़ नहीं करता तो इसलिए मैं इसको ऑफ रखता हूँ। अब ये वाली ऑप्शन है जो आपकी इस लाइन को टाइम लाइन को जूम कर देगी। आप देखेंगे अभी मेरा ये कितना आगे तक जा रहा है, और अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो सिंगल क्लिक में ये यहाँ पे शो हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाना चाहते हैं, कोई भी बैकग्राउंड इमेज लगाना चाहते हैं, अगर ग्रीन स्क्रीन का यूज़ कर रहे हैं तो एक ही बारी में लगा सकते हैं। और ये मैं पहले ही आपको बता चुका था कि इससे आप जूम करें, जूम करके एडिटिंग करेंगे तो बहुत ही क्लियर दिखेगा, नीचे आपको बार भी दिखते रहेंगे, तो मैं इसी को रिकमेंड करूँगा। अब यहाँ पर भी तीन ऑप्शन आपको मिल रही है। अगर इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आप इसको जूम कर सकते हैं। अगर करना चाहते हैं तो रेशो पे क्लिक करेंगे तो ओरिजिनल रेशो 16:9 की होती है जो यूट्यूब के लिए होती है। अगर आप वर्टिकल में वीडियो बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप रेशियो सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे मेरी वर्टिकल में रेशियो सेट हो चुकी है। अपने अकॉर्डिंगली करना चाहे तो कर सकते हैं, कस्टमाइज भी कर सकते हैं, पर मोस्टली अगर आप कैमरे से शूट कर रहे हैं तो इसको आप ओरिजिनल पे रखें। अगर आप पहले से ही वीडियो एडिटिंग करते हैं तो फ्रेंड्स आपको ये फीचर बहुत जल्दी समझ आ गए होंगे, पर इसका मैं एक प्रैक्टिकल वीडियो बना के आपको बताने वाला हूं कि इन फीचर्स को आप डीपली कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इंपोर्ट लिखा है पर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप हमेशा करता हूँ जिससे टाइम थोड़ा सेव हो जाता है। आप चाहे तो इंपोर्ट करके भी ब्राउज कर सकते हैं अपनी मीडिया फाइल को। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर दूंगा, यहाँ से ड्रैग करके मैं इसको आगे पीछे कर सकता हूँ। अब एडिटिंग में जहां मुझे कट लगाने हैं मैं सिर्फ एस को प्रेस करूंगा अपने कीबोर्ड में और मेरा कट लगता जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे ये बीच वाला पोर्शन नहीं चाहिए तो इसको मैं क्लिक करके डिलीट का बटन दबाऊंगा कीबोर्ड में, वो मेरा डिलीट हो जाएगा। अब इसके अंदर मैं कोई टेक्स्ट एनिमेशन लगाना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं टेक्स्ट में जाऊँगा। ऑडियो की ज़रूरत नहीं है, आप हमेशा YouTube की ऑडियो लाइब्रेरी का यूज़ करें जिससे आपको कोई कॉपीराइट ना आए। अब यहाँ से आपको जो भी टेक्स्ट पसंद आ रहा है उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। डाउनलोड होने के बाद आप टेक्स्ट को नीचे लेके आएंगे और यहाँ से पकड़ के इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ से आप इसे होल्ड करके ऊपर या नीचे कर सकते हैं, प्लस फॉन्ट के साइज़ को आप छोटा या बड़ा यहाँ से भी कर सकते हैं, और इस फॉन्ट में आप क्या लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे आप एडिट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टॉप 5, और उसके नीचे वाला जो टेक्स्ट है वहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है और अपने टेक्स्ट को टाइप करना है। यहाँ से पूरा होल्ड करके आप इसे अपनी स्क्रीन पे कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो नीचे आपको काफ़ी सारी ऑप्शंस मिलेगी, प्लस इसे अगर आप बोल्ड करना चाहते हैं, अंडरलाइन करना चाहते हैं, इटैलिक करना चाहते हैं, टेक्स्ट का कलर कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप खुद कस्टमाइज करना चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे तो आपको और भी काफ़ी सारी ऑप्शंस मिलेगी। इन ऑप्शंस को अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो एक एक करके ज़रूर करें, नहीं तो मेरे हिसाब से आपका काम सिर्फ इतने में ही बन जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पे टेक्स्ट दिए काफ़ी एडवांस लेवल के दिए। अब नेक्स्ट आता है स्टिकर। आप अपने वीडियो के बीच में अगर स्टिकर्स लगाना चाहते हैं तो वैसे ही यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन है, किसी को भी आप क्लिक कर सकते हैं और उसके अंदर से आप स्टिकर डाउनलोड करके ड्रैग करके अपनी टाइमलाइन में लेके आएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, इसको ड्रैग करके आप नीचे भी ला सकते हैं अगर लाना चाहे तो, और उसके बाद इसके साइज को आप यहाँ से स्केल कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, और यहाँ से इसको होल्ड करके अपनी स्क्रीन पे कहीं पे भी इसको एडजस्ट करना चाहे तो जरूर करें। यही सेम चीज आप यहां से भी कर सकते हैं जो मैंने इसको होल्ड करके ड्रैग करा है। उसके बाद आती है इफेक्ट्स की। आप वीडियो में इफेक्ट देना चाहते हैं या फिर बॉडी में इफेक्ट देना चाहते हैं। मैं एक बार इसको यहां से डिलीट कर देता हूं जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। अभी मैं बॉडी इफेक्ट पे गया और यहां पर आप देखेंगे इसको मैंने क्लिक करके डाउनलोड करा। डाउनलोड होते ही ये प्रीव्यू दिखाना स्टार्ट कर देगा, पर मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। अब आप
इसको ड्रैग करके अपने वीडियो के अकॉर्डिंगली सेट करना चाहे तो इसको कर सकते हैं। तो ठीक ऐसे ही अगर आप वीडियो इफेक्ट देना चाहते हैं तो यहाँ से किसी भी इफेक्ट को आप डाउनलोड करें, आप उसे चाहे तो अपनी फोटो में भी इफेक्ट दे सकते हैं या फिर जो टेक्स्ट आप समझा रहे हैं, जो स्क्रीन आप दिखा रहे हैं उसमें भी इफेक्ट दे सकते हैं। यहाँ से मैंने इसको डाउनलोड करा और ड्रैग करके मैं नीचे लेके आ गया। अब एक बार मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके का ये इफेक्ट दिखाई देगा। और उसके बाद बारी आती है ट्रांजिशंस की, जहाँ आप कट लगा रहे हैं उस ट्रांजिशन को आप डाउनलोड करेंगे और ड्रैग करके आप यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। अब इसे होल्ड करके कम या ज़्यादा करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, आप किसी भी तरह की ट्रांजिशन लेना चाहे तो ले सकते हैं। आप देखेंगे मैं इसी के ऊपर अपनी दूसरी ट्रांजिशन लेके आ गया। अब एक बार मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, इस तरीके से ट्रांजिशन काम करेगी। और ठीक फिल्टर भी आप अपने वीडियो में ऐड कर सकते हैं, मैं वो भी आपको करके दिखा देता हूँ। इस फिल्टर को मैंने डाउनलोड करा, डाउनलोड होते ही इसका प्रीव्यू ये यहाँ पे दिखाने लग जाएगा। अभी ये इस तरीके से दिखा रहा है और जैसे ही मैं फिल्टर के ऊपर पॉइंटर ले गया या ड्रैग करके मैं इसके ऊपर भी लेके आ गया तो आप देखेंगे मेरे जो वीडियो का कलर है वो यहाँ से चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इसमें बहुत सारी ऑप्शंस मिलेंगी। बाकी ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक बार आप इसे एक्सप्लोर करेंगे तो आपके लिए समझना और ईजी हो जाएगा। अब बारी आती है मेन एडिटिंग की, जिसके अंदर वीडियो, ऑडियो, एनिमेशन और भी कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं वीडियो टैब को डिस्कस करूंगा और वीडियो के सेक्शन के अंदर जितने फीचर्स हैं मैं आपको एक एक करके सारे बताऊंगा। यहाँ पर आप देखेंगे आपको वीडियो की ऑप्शन मिल रही है और उसके अंदर आपको बेसिक, कटआउट, मास्क और एनहेंस चार ऑप्शंस मिल रही है। मैं चारों के बारे में अब वन बाय वन बताऊंगा। यहाँ से आप इसे स्केल कर सकते हैं, यहाँ से अगर आप इसे लेफ्ट राइट मूव करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, पर ये सारी चीज़ें आप इसके करे बिना भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने माउस को ले जाएंगे तो इसको आप इजीली ऊपर नीचे कर सकते हैं, यहाँ से इसके स्केल को छोटा बड़ा कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक रीसेट का बटन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये अपनी एक्चुअल पोजीशन में आ जाएगा। और फॉर एग्जांपल ये साइड में है तो इन बटन से आप इसकी अलाइनमेंट भी करना चाहे तो कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आ रही है ब्लेंड की, अगर आपका ये टिक नहीं है तो इसको आप टिक करें। और उसके बाद फ्रेंड्स आप देखेंगे जो मेरा एक ही नॉर्मल वीडियो है जिसमें मैं स्क्रीन पे कुछ बता रहा हूँ और उसके बाद मैं आ गया, इसके बीच में आप ट्रांजिशन तो यूज़ कर सकते हैं पर ब्लेंड का क्या यूज़ है मैं आपको वो बता देता हूँ। मैं यहाँ पे एक ओवरले ऐड करूँगा, ड्रैग एंड ड्रॉप करा और आप देखेंगे जो भी मैं टाइमलाइन में ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ वो मेरे मीडिया में ऑटोमेटिकली ऐड हो रहा है। अब आप देखेंगे इसका बैकग्राउंड ब्लैक आ रहा है। जब भी आपके ओवरले या फिर किसी फोटो को आप यहाँ ऐड करना चाहते हैं उसका बैकग्राउंड अगर ब्लैक आ रहा है तो आपने नॉर्मल पे क्लिक करना है और हमेशा स्क्रीन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, आप देखेंगे इफेक्ट तो आ गया पर ब्लैक कलर रिमूव हो चुका है, हाइड हो चुका है। और अगर आपका बैकग्राउंड ही वाइट है, अभी तो मेरा ब्लैक था, मैं कंट्रोल जेड करके दिखा देता हूँ, अगर आपका बैकग्राउंड वाइट है और ऊपर इफेक्ट ब्लैक कलर के आ रहे हैं तो आपने हमेशा डार्कन को यूज़ करना है। बाकी एक बार आप इसके अंदर अपना वीडियो या फोटो ऐड करके एक एक करके इसको आप एक्सप्लोर करें, जो आपके लिए बेस्ट है आप उसी का यूज़ करें। पर अभी मैं यहाँ पे स्क्रीन का यूज़ करूँगा। अब उसके नीचे आपको एक ऑप्शन मिल रही है ओपेसिटी की, इसमें आप अपने वीडियो की ओपेसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप देखेंगे बिल्कुल मैंने कम कर दी, ये उस केस में यूज़ होता है जब आप अपने ऑडियंस को कुछ स्पेशल दिखाना चाहते हैं। मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, तो यहाँ से मैं किसी भी टेक्स्ट को या फिर स्टिकर या जो भी आप मैसेज दिखाना चाहते हैं उसको यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, जिससे अटेंशन सिर्फ उसी पे पड़ेगी जो आप दिखाना चाहते हैं। बाकी इसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं अगर आप ऊपर नीचे करना चाहे तो। और अगर आप अपने किसी पिछले वीडियो के बारे में कुछ बता रहे हैं तो अपने उस वीडियो की क्लिप या इमेज को भी आप ऐड करना चाहे तो वो ऐड कर सकते हैं और अपनी इस मीडिया के ऊपर उसे लेके आ जाए। लाने के बाद यहाँ पे फ्रेंड्स आप इसके साइज को छोटा कर देंगे, जैसे मैं इस केस में कर रहा हूँ, और ये वीडियो यहाँ पे साइड में प्ले होता रहेगा। मैं सिर्फ आपको कुछ इफेक्ट्स दिखा रहा हूँ, अगर आपके ज़रूरत की है तो आप इसका यूज़ करें, नहीं तो आप इसको रहने दें। ओपेसिटी के नीचे आपकी स्टेबलाइज की ऑप्शन आ रही है, इसको आप ऑन कर देंगे। अगर आप वॉक करते हुए, रनिंग करते हुए कोई वीडियो बना रहे तो ये उसे स्टेबलाइज करेगा। आप देखेंगे यहाँ पे मेरा परसेंटेज दिखाने लग गया, पर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने स्टिल में वीडियो शूट करा है। इसको आप रिकमेंडेड में रहने दें, अगर इसमें आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा तो आप दूसरी ऑप्शन पर जा सकते हैं। यहाँ से मैं अभी इसे ऑफ कर दूंगा। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रही है रीलाइट की, रीलाइट में यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिल रही है। अब आप इसके अंदर लाइट्स दे सकते हैं, मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ, मैं इन सबको डाउनलोड कर चुका हूँ इसलिए मेरा टाइम थोड़ा सेव हो जाएगा। जब भी आप किसी इफेक्ट को अप्लाई करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऊपर देखेंगे
थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे अप्लाई होने में, एकदम से अप्लाई नहीं होगा तो थोड़ा सा आप इंतज़ार करें। ये चीज़ें वैसे बहुत टाइम किल करती है एडिटिंग में, पर आपकी एडिटिंग को ये एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाती है। अगर आप इन चीज़ों का यूज़ करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मेरा 100% कंप्लीट होने वाला है, और कंप्लीट होते ही आप देखेंगे ये इफ़ेक्ट मेरा दिखने लग गया। ठीक इसी तरीके से फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी इफ़ेक्ट चाहिए तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। यहाँ पर आप मेरे फेस को ध्यान से देखें कि किस तरह से मेरे फेस पे लाइट आ रही है। आप यहाँ से भी इसकी सेटिंग करना चाहे तो कर सकते हैं, आपको जहाँ पे जैसे सूट कर रहा है आप वैसे सेटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आपके वीडियो में नॉइज़ रिडक्शन है तो उसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी स्ट्रॉन्ग या वीक, किस तरीके के आपकी लाइट इफेक्ट आ रही है, किस तरीके से आपने लाइटिंग की सेटिंग करी है, आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ से उसे सेट करें। और यहाँ पे वीडियो फ्लिकर की ऑप्शन है, जब भी आप लो लाइट में कोई वीडियो शूट करते हैं तो यहाँ पे फ्लिकर आता है, लाइंस आएंगी ब्लैक कलर की, वो भी ये रिमूव कर देगा। बाकी इसमें भी आपको सेटिंग मिलेगी, एक बार आप इसका यूज़ करना चाहे फ्लिकर के लिए तो ज़रूर यूज़ करें। ऑटो रीफ्रेम की भी ऑप्शन मिल रही है, इसको आप ओरिजिनल रेशियो में ही रहने दें। यहाँ पे ये वही सारी चीज़ आ गई जो मैंने आपको रेशियो में यहाँ पे पहले ही बताई थी, तो इसका अभी हमारा कोई यूज़ नहीं है। मोशन ब्लर करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ से आपका ब्लर इफेक्ट आएगा। इसके लिए अप्लाई होने में भी आप देखेंगे अभी वेट करने के लिए कह रहा है, तो इसके लिए आप थोड़ा सा इंतज़ार करें और आपका ब्लर इफेक्ट आ जाएगा, पर इसको अभी मैं ऑफ कर रहा हूँ। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन आ रही है कटआउट की, क्रोमा की। आप सबको पता है ग्रीन स्क्रीन के लिए यूज़ होती है, मैं ग्रीन स्क्रीन का एक वीडियो यहाँ पे ला रहा हूँ। क्रोमा की के ऊपर आप टिक करेंगे और यहाँ पे कलर पिकर पे आपने क्लिक करना है, और जो भी आपका ग्रीन कलर है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे वो कलर शो करने लग गया। अब आप इसकी स्ट्रेंथ को कम या ज़्यादा करना चाहे इससे कर सकते हैं। ये दोनों बार आपकी ग्रीन स्क्रीन की एडजस्टमेंट लिए है, अगर आपने अच्छी लाइट का यूज़ करा है तो ये हार्डली 30% पे आते ही, मतलब 30 नंबर पे आते ही आपकी ग्रीन कलर रिमूव हो जाएगी। नहीं तो अगर आपको शेडो की भी ज़रूरत है तो आप इसका यूज़ करें, और इसकी एडजस्टमेंट आप बेसिक में जाके ऊपर नीचे कर सकते हैं, स्केल छोटा या बड़ा करना चाहे कर सकते हैं। अब बारी आती है ऑटो कटआउट की, ये मेरा बहुत फेवरेट है। इसमें मैं बता देता हूँ आप बहुत सारे इफेक्ट्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैंने इसका डुप्लीकेट डाल दिया और राइट क्लिक करके अब मेरे पास जो साउंड है वो डबल हो गया, नीचे वाले की भी वॉइस है ऊपर वाले की भी वॉइस है, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करके यहाँ से इसको म्यूट भी कर सकता हूँ। नहीं तो अगर मैं म्यूट नहीं कर रहा है, इसके साउंड को ही डिलीट करना चाहता हूँ, तो राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे क्लिक करूँगा और यहाँ से इसके ऑडियो को रिमूव कर दूंगा। अब यहाँ पे मैंने क्लिक करा और ऑटो कटआउट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे मुझे वेट करने के लिए कह रहा है, यहाँ पे ऊपर परसेंटेज शो कर रहा है। अब ऑटो कटआउट में फ्रेंड्स मेरा बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, ये जो नीचे मेरी फाइल है उसका बैकग्राउंड दिखा रहा है, ऊपर वाले कटआउट का मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल रिमूव हो चुका है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो मैं आपको यहाँ साइड में करके दिखा देता हूँ, आप देखेंगे बैकग्राउंड इसने वीडियो से रिमूव कर दिया है। अब इसमें किस तरीके से इफ़ेक्ट डाल सकते हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। नीचे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इफ़ेक्ट्स में जाएंगे और सर्च के ऊपर आपने लिख देना है ब्लर, और उसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे। आपको यहाँ पे ब्लर के बहुत सारे इफ़ेक्ट मिलेंगे। अब मैं इसको लेयर बना के बीच में डालूंगा, आप देखेंगे दोनों वीडियो के बीच में मेरा ये ब्लर शो करने लग गया। इसको ड्रैग करके मैं पूरे स्क्रीन पे लेके आऊँगा। अब यहाँ से फ्रेंड्स आप अपने ब्लर के इफेक्ट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप देखेंगे मेरा बैकग्राउंड यहाँ से ब्लर हो चुका है, और इसके बैकग्राउंड में अगर आप किसी भी तरह का टेक्स्ट डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैंने इसको डाउनलोड करा और उसके बाद मैं इसको नीचे लेके आ गया। अगर आपको याद हो तो स्टार्टिंग में मैंने आपसे फ्री लेयर टर्न ऑन करवाई थी, वो लेयर इसलिए ऑन कराई थी कि आप वीडियो के नीचे भी अपने इफेक्ट्स ऐड कर सके। अब आप देखेंगे मेरे बैकग्राउंड में मेरा टेक्स्ट आ रहा है। इस तरह के इफेक्ट्स आप कटआउट से कर सकते हैं। अब यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आ रही है मास्क की। मास्किंग बहुत जगह काम आती है। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे आप ऐसे वीडियोस देखते हैं जिसमें बैकग्राउंड में स्क्रीन आ रही होती है और यहाँ पे आप अपना फेस दिखा के बात कर रहे होते हैं, और डबल रोल वाले इफेक्ट में भी ये काम आता है। ये कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कट लगा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने अपने इस पोर्शन में कट लगा दिया और इसको मैं इसके ऊपर लेके आ गया। अब यहाँ पे मास्किंग के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इसको एडजस्ट करूँगा। अभी आप देख रहे हैं साइज थोड़ा छोटा आ रहा है, आपने बेसिक में जाना है और यहाँ से इसकी स्केलिंग कम या ज़्यादा करना चाहे तो कर सकते हैं, और उसके बाद होल्ड करके आप इसे जहाँ पे भी सेट करना चाहे, लेफ्ट राइट अप डाउन वहाँ पे भी कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप शॉर्ट्स बना रहे हैं तो उधर भी ये बहुत काम आएगा। यहाँ पे मैंने इस रेशियो को सिलेक्ट करा और अपने इस वीडियो को मैं ड्रैग करके थोड़ा बड़ा कर देता हूँ।
और उसके बाद आप यहाँ पे जो भी रिव्यू देना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं आप उसको बता सकते हैं अपनी स्केलिंग को कम या ज़्यादा करके। मैं यहाँ से इसको अंडू कर देता हूँ क्योंकि मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। एक तो आपका ये मास्क हो गया, प्लस यहाँ पर आप देखेंगे मैं अपने वीडियो के ऊपर दूसरा वीडियो लेके आ गया। आप ये एज्यूम करिए कि मेरे पास ये डबल रोल वाले वीडियो, मतलब मैंने अपने ट्राईपॉड को एक जगह सेट रखा और वहाँ पे मैंने दो तरीके से वीडियो शूट करा। अब आप देखेंगे ऊपर वाले वीडियो ने नीचे वाले वीडियो को हाइड कर दिया, तो उस केस में हम मास्क में जाएंगे, हॉरिजॉन्टल में जाएंगे और यहाँ से अगर आप इसे रोटेट करना चाहें तो कर सकते हैं। अब आप देखेंगे नीचे वाला वीडियो मेरा यहाँ दिख रहा है और ऊपर वाला वीडियो मेरा यहाँ पे दिख रहा है और उसके नीचे फैदर की ऑप्शन आ रही है। अगर आपको नीचे ये लाइन दिख रही है तो आप देखेंगे फैदर का यूज़ करके आप उस लाइन को लाइट कर सकते हैं। ये आप डबल रोल जैसे इफेक्ट्स में करेंगे तो आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा कि एक्चुअल में मैं समझाना क्या चाहता हूँ। और भी यहाँ पे आपको काफ़ी ऑप्शंस मिलेगी, अगर यूज़ करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। मोस्टली लोग इसी का यूज़ करते हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन आ रही है एनहेंस। यहाँ पे आप फेस पे जाएंगे और मैं इसको थोड़ा सा स्केल कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ से ब्यूटी के लिए ये चीज़ है कि अगर आपके फेस में लाइट अच्छी नहीं आ रही या आपका फेस अच्छा नहीं दिख रहा तो यहाँ से आप इसे सिलेक्ट करेंगे। अगर आप सिंगल मोड, मतलब मैं यहाँ पे सिर्फ अकेला हूँ तो मैंने सिंगल पे रखा है, अगर मल्टीपल बहुत सारे लोग हैं तो आप उसे मल्टीपल मोड पे सेट रखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे ये कितना स्मूथ कर देगा फेस को। ब्राइटनेस भी अगर आप बढ़ाना चाहे तो इसकी बढ़ा सकते हैं। और इसका जो इफेक्ट आ रहा है आप देखेंगे सिर्फ फेस पे आ रहा है, ना तो कपड़ों में आ रहा है ना ही बैकग्राउंड में आ रहा है। और अगर आपके टीथ वाइट नहीं है तो इसको करके आप वाइट अपने टीथ कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप देखेंगे मेरे लिप्स ओपन है तो यहाँ से मैं अपने टीथ को वाइट करूंगा, आप देखेंगे इफेक्ट सिर्फ उसी जगह आएगा जो यहाँ पे मेंशन है। और अगर आप अपने फेस के और लुक अच्छी देना चाहते हैं तो फ्रेंड्स उसके इसमें आप यहाँ पे देखेंगे इसको एडजस्ट करके आप अपने फेस को छोटा बड़ा मोटा पतला जैसे भी करना चाहे वैसे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको तब काम आएगी जब आप मॉडलिंग के लिए, किसी गर्ल के लिए कोई पोर्टफोलियो बना रहे हैं या फिर उसकी वीडियो की एडिटिंग कर रहे हैं। नॉर्मल हम जैसे वीडियोज़ बनाते हैं उसमें ये चीज़ किसी काम की नहीं है, पर फिर भी इसका फीचर है तो मैं आपको बता रहा हूँ। मैनुअल पे क्लिक करके भी आप ये सारी चीज़ें करना चाहे तो कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, मेकअप की भी यहाँ ऑप्शन मिलेगी। बॉयज़ के लिए ये नहीं है, गर्ल्स के लिए। अगर बॉयज़ इस तरह का मेकअप करेंगे तो दिखने में बहुत फनी लगेंगे। आई लैशेज, आई शेडो, लिपस्टिक, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आपको पता होना चाहिए इसलिए मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। इनफैक्ट आप देखेंगे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, मैं एक बार इसको फिर से बेसिक में ला के रीसेट कर देता हूँ। अब आप देखेंगे जो बॉडी का स्ट्रक्चर है ये उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। लेग्स किसी की ज़्यादा हैवी है तो आप इससे उसको सेट कर सकते हैं। बॉडी भी आप देखेंगे श्रिंक कर सकते हैं अगर कोई फैटी है, उसकी वेस्ट ज़्यादा दिख रही है। मैंने बताया जैसे ये बेसिकली गर्ल्स के लिए है अगर आप वीडियो शूट कर रहे हैं उनका तो। और हेड भी देखेंगे किस तरीके से मूव कर रहा है। वीडियो के बाद बारी आती है ऑडियो की। अगर आप बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक डाल रहे हो उसे फेड इन फेड आउट करना है, आपके वीडियो में जो ऑडियो है उसके बैकग्राउंड में नॉइज आ रही है या फिर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, वो सारी सेटिंग्स मैं आपको अब बताता हूँ। अब नेक्स्ट टैब है हमारा ऑडियो का, जिसके अंदर आपको बेसिक और वॉइस चेंजर दो ऑप्शन मिलेगी। वॉइस चेंजर से आप समझ गए होंगे कि आप अपनी ओरिजिनल वॉइस को किसी भी वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर ये किसी भी यूज़ का नहीं होता, सिर्फ फन के लिए होता है। अगर आप कोई फनी वीडियोज़ अपने शॉर्ट्स या रील्स के लिए बना रहे हैं तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो अब मैं बात करूँगा बेसिक की। बेसिक में आप अपने वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। अब इसका पता हमें कहाँ पे और कैसे चलेगा, यहाँ पे आपको एक साइन दिख रहा है बहुत छोटा सा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे आपका मीटर आ जाएगा और उसके बाद मैं यहाँ म्यूट से इसे हटा रहा हूँ। मैंने लिखा सजेस्ट H1, H2, H3 टैग्स फॉर, यहाँ पे आपने देखा ये यहाँ तक जा रहा था। बस इस चीज का हमेशा ध्यान रखे, -6 से ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए, -6 या उससे थोड़ा सा नीचे रहना चाहिए जिससे आपका साउंड बहुत अच्छा आ रहा है। अगर इन केस आपका काफ़ी लो साउंड आ रहा है तो आप ऑडियो में जाके अपने वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हैं। एक बार मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। यहाँ पे गेम का नाम डाल दिया और उसके आगे गेम लिख दिया, आप देखेंगे ये 0 तक पहुँच गया जो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से आप अपने वॉल्यूम की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब ऑप्शन आ रही है फेड इन और फेड आउट की। जब भी आप वीडियो बनाते हैं तो उसके बैकग्राउंड पे म्यूजिक जरूर ऐड करें। यहाँ से मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक को सिलेक्ट करा, मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक नीचे आ गया। अपने बैकग्राउंड म्यूजिक को भी
यहाँ से उसका वॉल्यूम कम और ज्यादा कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ जो मेरा म्यूजिक स्टार्ट हो वो नीचे से स्टार्ट हो, मतलब स्लो से स्टार्ट हो। फेड इन को मैं यहाँ से थोड़ा सा बढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे इसका इफेक्ट यहाँ पे आ रहा है। लगभग 8 सेकंड तक मेरा म्यूजिक स्लो आएगा, उसके बाद म्यूजिक का वॉल्यूम हाई हो जाएगा। और ठीक इसी तरीके से मैं चाहता हूँ जब एंड आ रहा है, वैसे तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा डॉट मिल रहा है, इस डॉट से भी आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आप देखेंगे मैं डॉट को यहाँ से मूव कर रहा हूँ और ऊपर फेड आउट भी मूव हो रहा है। यहाँ पे मैं चाहता हूँ जैसे मेरा म्यूजिक बैकग्राउंड म्यूजिक खत्म हो रहा है तो वो लास्ट में धीरे धीरे स्लो हो जाए, तो फेड इन फेड आउट इसके लिए होता है। और लाउडनेस नॉर्मलाइजेशन, अगर आपके वही आवाज कम है तो आप उसे लाउड कर सकते हैं। आपकी वीडियो की वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं है तो उसको आप इसमें क्लिक करके एनहेंस कर सकते हैं। पीछे नॉइज आ रही है, नॉइज रिडक्शन कर सकते हैं, वोकल आइसोलेशन कर सकते हैं जिससे आपकी वॉइस क्लियर हो जाए। ये बहुत सारे फीचर्स ही है, आप अपने अकॉर्डिंगली एक एक करके इसको चेक करें कि आपके लिए क्या जरूरी है। मोस्टली मैं यहाँ से नॉइज रिडक्शन और वोकल आइसोलेशन का यूज करता हूँ। अब आप स्क्रीन वाला पार्ट अपने लैपटॉप में शूट कर रहे हैं और आपकी जो वॉइस है वो आपके DSLR में आ रही है, तो दोनों की आवाज में थोड़ा सा फर्क होगा, आगे पीछे होगी, तो उसकी एडजस्टमेंट करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो उसके लिए भी बहुत सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे आपकी वीडियो की वॉइस आ गई और प्लस जो आपने अपनी वॉइस करी हुई है माइक से रिकॉर्ड वो यहाँ पे आ जाएगी। आप ये अज्यूम करिए कि ये मेरी लैपटॉप वाली रिकॉर्डिंग है और ये मेरी माइक वाली रिकॉर्डिंग है। मैं चाहता हूँ मेरे लैपटॉप वाली रिकॉर्डिंग म्यूट हो जाए और जो मेरी माइक वाली रिकॉर्डिंग है और वो सबको सुनाई दे, क्योंकि उसकी वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी है। आपने दोनों को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे लिखा है सिंक वीडियो टू साउंड, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अगर किसी वजह से भी ये अलाइनमेंट चली गई है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इसको आप मैन्युअली खुद यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करके पहले आप इसको ठीक करें और आपका जो साउंड है वो दोनों एक जैसा होगा। और ऊपर वाले साउंड को आप यहाँ से म्यूट कर सकते हैं, नहीं तो राइट क्लिक करके भी आप एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे क्लिक करके अपने उस साउंड को डिलीट करेंगे। अब आपने जो माइक से रिकॉर्डिंग करी है वो ऑटोमेटिकली आपकी वीडियो वाली रिकॉर्डिंग के साथ सिंक हो जाएगी। और जब आपका ये ऑडियो का सारा खत्म हो जाए और इस बार को आप नहीं चाहते तो फिर से इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आप देखेंगे यहाँ से ऑडियो बार रिमूव हो चुका है। अब बारी है स्पीड की। स्पीड की उस समय जरूरत पड़ती है जब आप कुछ फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर रहे हैं, उसकी इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो यहाँ पे आप दो कट दे देंगे जब उसकी इंस्टॉलेशन खत्म हो गई और यहाँ से उसकी इंस्टॉलेशन शुरू हुई। बीच का जो पार्ट होता है यहाँ से स्पीड पे जाने के बाद आप उसकी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे एरिया कितना कम हो गया, मतलब सेकंड्स कितने कम हो गए। और इसके अंदर जो ऑडियो है उसको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे क्लिक करा और यहाँ से कर दिया। अब यहाँ पे आप बता रहे कि आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद इंस्टॉल होगा और आपने इसके ऊपर क्लिक करा तो वो जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो दिखेगा पर फास्ट फॉरवर्ड में दिखेगा। उस पर्पस के लिए ये स्पीड यूज होता है। वीडियो भी हो गया, ऑडियो भी हो गया। अब बारी है एनिमेशन की। आप अपने वीडियो के इन और आउट में कैसे एनिमेशन लगा सकते हैं, आप टेक्स्ट में कैसे एनिमेशन लगाएंगे, प्लस आप अपने वीडियो के ऊपर कोई भी इमेज ऐड कर रहे हैं, प्रीवियस वीडियो का कोई प्रीव्यू दिखा रहे हैं तो उसमें भी आप एनिमेशन कैसे लगाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं सिर्फ वीडियो में एनिमेशन कैसे लगाते हैं और टेक्स्ट में एनिमेशन कैसे लगाते हैं वो बताऊंगा। और उसके बाद आप अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू किसी भी इमेज या किसी भी दूसरे वीडियो में कैसे एनिमेशन लगाएंगे उसका तरीका बिल्कुल सेम है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है एनिमेशन की। एनिमेशन में आपको तीन टैब मिल रहे हैं, इन, आउट और कॉम्बो। सबसे पहले आप इन एनिमेशन कैसे चाहते हैं वो आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप देखेंगे मेरा वीडियो स्टार्ट हो रहा है, मैं यहाँ पे कट लगाऊंगा जिससे मेरा वीडियो यहाँ पे एंड हो रहा है। अब इसमें मैं इन और आउट की एनिमेशन दूंगा। वीडियो को सिलेक्ट करा, एनिमेशन में गया, इसमें से जो भी मुझे एनिमेशन पसंद आ रही है उसको मैं डाउनलोड करके उसके ऊपर सिर्फ क्लिक करूंगा और उसके बाद आउट पे जाऊंगा और यहाँ से जो मुझे एनिमेशन पसंद आ रही है उसको सिर्फ मैं क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे मैं एक बार आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। ये मेरी इन एनिमेशन है और जैसे ही मेरा वीडियो फिनिश होने वाला होगा तो उस समय मेरी ये आउट एनिमेशन आ गई। यहाँ से मैं भी इसको रिमूव कर देता हूँ और आप देखेंगे लास्ट में जो ऑप्शन आ रही थी वो आ रही थी कॉम्बो की। अब आपको यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस मिलेगी एनिमेशन की। इन और आउट में आप एक ही क्लिक में एनिमेशन लगा सकते हैं। मैंने इसके ऊपर क्लिक करा, गूगल जेमिनी आपको खुद बताएगा कि 2000 और यहाँ पर आप देखेंगे मेरी एनिमेशन स्टार्ट हो गई। पूरे वीडियो में मेरी एनिमेशन ये चलती रहेगी। ये एक तरह का कॉम्बो है और जैसे ही मेरा वीडियो वो वाला पार्ट खत्म हुआ
उसके बाद से नॉर्मल वीडियो स्टार्ट हो गया। सिर्फ यही नहीं फ्रेंड्स, आप इस एनिमेशन को टेक्स्ट में भी लगा सकते हैं। उसके लिए आपको जो भी टेक्स्ट पसंद आ रहा है उसको आप पहले तो डाउनलोड करेंगे और ड्रैग करके आप यहाँ पे लेके आएंगे। मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट करा, अब यहाँ पे एनिमेशन की ऑप्शन मिल रही है। किस तरह की एनिमेशन लगाना चाहते हैं आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये थी इनकी एनिमेशन, आउट को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो भी आपको एनिमेशन पसंद आ रही है उसके ऊपर आपने सिर्फ क्लिक करना है। यहाँ से मैं म्यूट करके आपको टेक्स्ट के एनिमेशन दिखा देता हूँ वो किस तरीके से काम कर रहा है। तो आप अपने टेक्स्ट में भी और अपने वीडियो में भी एनिमेशन लगा सकते हैं। अब बारी आती है एडजस्टमेंट की, मतलब कलर ग्रेडिंग की। आपको कलर ग्रेडिंग के लिए फ्रेंड्स कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है और हर किसी ने अपने लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से उसकी एडजस्टमेंट करी है। अपनी कलर ग्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूँ तो इसलिए फ्रेंड्स मैं आपको उसके फीचर्स के बारे में बताऊंगा, पर आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप इंडोर शूट कर रहे हैं, आउटडोर शूट कर रहे हैं, डे में कर रहे हैं, नाइट में कर रहे हैं, लो लाइट में शूट कर रहे हैं, वो सारी डिटेल्स आपको खुद करनी पड़ेगी। मैं सिर्फ आपको फीचर बताऊंगा कि आपने कलर ग्रेडिंग के लिए कौन कौन से फीचर्स, कौन कौन से फंक्शंस को यूज करना है। अब सबसे लास्ट में ऑप्शन आ रही है एडजस्टमेंट की। यहाँ पे आप बेसिक, HSL और कर्व्स, तीन आपको टैब मिल रहे हैं। बेसिक में फ्रेंड्स आपके पास LUT होना जरूरी है, अगर नहीं है तो यहाँ पे नन शो करेगा। और जब मैं आपको स्टार्टिंग में फीचर्स के बारे में बता रहा था तो एडजस्टमेंट के अंदर आपको LUT की ऑप्शन मिल रही है। आप अपने LUT को यहाँ इम्पोर्ट करेंगे तो उसकी लिस्ट यहाँ पे शो करने लग जाएगी। बेसिकली ये कलर ग्रेडिंग के लिए होता है, जिससे आपकी वीडियो की क्वालिटी और अच्छी हो जाए। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपकी लाइटिंग कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको सिर्फ मूव करके दिखा रहा हूँ कि इनके फीचर्स क्या है। आप इंडोर शूट कर रहे हैं, आप आउटडोर शूट कर रहे हैं, उस लाइटिंग कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपको यहाँ से कौन से इफेक्ट्स चाहिए। अगर आपकी ब्राइटनेस कम है तो यहाँ से आप उसे बढ़ा सकते हैं। हो सकता है आपकी कैमरा क्वालिटी या आपका रूम या जिस जगह भी आप शूट कर रहे हैं वो थोड़ा डार्क हो, कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको बहुत सारी ऑप्शन मिलेगी जिससे आपकी वीडियो की क्वालिटी एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी। ये सारी चीजें डिपेंड करती है लाइटिंग, इंडोर और आउटडोर शूट पे। इसको एक बार आप एक्सप्लोर करें अपने अकॉर्डिंगली। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइटिंग कंडीशन अच्छी नहीं है तो यहाँ पे अगर आपका वीडियो थोड़ा सा डल जा रहा है तो आप उसे शार्प कर सकते हैं। मुझे सबसे अच्छा इसका एक पार्ट लगता है जिससे साइड में यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा डार्क इफेक्ट आ जाता है और देखने वाले का फोकस सिर्फ आपके ऊपर रहेगा। सेम यही चीजें फ्रेंड्स आप यहाँ से भी कर सकते हैं, कलर की एडजस्टमेंट अगर करना चाहे तो। अब वो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको यूज करना चाहते हैं। नहीं तो डायरेक्ट आप इस कर्व के ऊपर ले जाके भी अपनी लाइटनिंग कंडीशन के हिसाब से थोड़ी सी एडजस्टमेंट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये सब कंप्लीट करने के बाद अगर आप इसमें कुछ और पूछना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करें, मैं इसका पार्ट 2 जरूर बनाऊंगा। अगर आपके लिए ये कंप्लीट पैकेज है तो इसको आप इंजॉय करें।